क्या आप जानते हैं कि गोलमाल फिल्म के हीरो फिल्म गोलमाल में काम ही नहीं करना चाहते थे। हालांकि ये फिल्म बहुत ज़बरदस्त हिट हुई थी, लेकिन जब हीरो को डायरेक्टर साहब ने बताया कि मैं गोलमाल फिल्म बना रहा हूँ और आपको इसमें काम करना है, तो जो हीरो थे वो घर से निकले डायरेक्टर को मना करने की नीयत से रास्ते भर ये सोचते हुए गए कि मैं गोलमाल फिल्म में काम करने से इनकार कर दूंगा, लेकिन जब पहुँचे तो मना नहीं कर पाए। किरदार भी बहुत अच्छा था, एक करेक्टर दो रूप, एक की मूछे नहीं है, और इसी के बीच में कॉमेडी पैदा हो। मैं यहाँ पर 79 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गोलमाल की बात कर रहा हूँ, रोहित शेट्टी की फिल्म गोलमाल की बात नहीं कर रहा। गोलमाल जो बनी थी पहली बार वो बनी थी 1979 में। फिल्म के डायरेक्टर थे ऋषिकेश मुखर्जी और हीरो थे अमोल पालेकर। ऋषिकेश मुखर्जी ने जब ये फिल्म बनाने की प्लानिंग करी तो उनके दिमाग में सबसे पहले इस करेक्टर के लिए अमोल पालेकर साहब आए। अमोल पालेकर अभी नए नए इंडस्ट्री में आए थे और काफ़ी नाम हो गया था उनका, तो ऋषिकेश मुखर्जी जो बहुत ही अलग तरह की बेहतरीन फिल्में बनाते थे, उन्हें लगा कि अमोल पालेकर अगर इस किरदार को निभाएंगे तो कमाल हो जाएगा। और यही सोचकर ऋषिकेश मुखर्जी ने अमोल पालेकर को फ़ोन किया कि मैं गोलमाल फिल्म बना रहा हूँ और मैं आपके घर आना चाहता हूँ, आपका फ्री है। तो ऋषिकेश मुखर्जी का फ़ोन जब अमोल पालेकर के पास गया तो अमोल पालेकर साहब घबरा गए, क्योंकि ऋषिकेश मुखर्जी बहुत बड़े डायरेक्टर थे और वो कह रहे थे कि मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। तो अमोल पालेकर साहब ने कहा कि आप मेरे घर मत आइए, मैं आपके घर आता हूँ। और रास्ते भर जब अमोल पालेकर ऋषिकेश मुखर्जी के घर जा रहे थे तो रास्ते भर ये सोचते गए कि मुझे करनी तो है नहीं, मुझे ऋषिकेश मुखर्जी जैसे डायरेक्टर के साथ तो काम करना नहीं है, मैं कैसे मना करूँगा, क्या बोलूँगा, क्या मना करूँगा, इतने बड़े डायरेक्टर बुरा ना मान जाए, कोई ऐसी तरकीब सोचूँ जिससे मैं ना भी कर दूँ, मुझे फिल्म भी ना करना पड़े और ऋषिकेश मुखर्जी को भी बुरा भी ना लगे। यही सोचते सोचते वो वहाँ पहुँचे ऋषिकेश मुखर्जी के घर, बातचीत हुई, सब कुछ तय हुआ और अमोल पालेकर साहब ने इस फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी। लेकिन जाते जाते अमोल पालेकर ने ऋषिकेश मुखर्जी से कहा कि सर मैं रास्ते भर ये सोच के आया था कि मैं आपकी फिल्म के लिए ना कर दूंगा। अमोल पालेकर की इस बात से ऋषिकेश मुखर्जी चौंक गए और पूछा क्यों, क्यों नहीं करना चाहते थे मेरे साथ काम? तो उन्हें बताया कि सर मैंने आपके बारे में सुना है कि आप किसी को कहानी नहीं सुनाते, किसी को सीन नहीं बताते, ये करो वो करो ये करो, अपने दिमाग में या आपके दिमाग में सब कुछ होता है और आप बताते और वो करना पड़ता है, तो मैं इस टाइप के काम करता नहीं हूँ, मैं पूरी स्क्रिप्ट पढ़ के उसको समझ के करता हूँ, इसलिए मैं सोच रहा था कि मेरी और आपकी नहीं जमेगी, इसलिए मैं आपको मना करने आया था। तब ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा मैं उन एक्टरों को कहानी नहीं सुनाता जिन एक्टरों के पास वक्त ही नहीं है कहानी सुनने का, अपने किरदार पर काम करने का वक्त ही नहीं, मैं उन्हें अपनी कहानी नहीं सुनाता, जब उनके पास वक्त नहीं है तो मैं अपनी कहानी उनके साथ शेयर क्यों करूं, क्यों सुनाऊं? मैं उन्हीं कलाकारों को सुनाता हूं जो मेरे साथ बैठते हैं, अपने किरदार पर काम करते हैं, फिल्म को फिल्म समझकर बहुत गहराई से उसके अंदर घुस के काम करते हैं, मैं उन्हें ज़रूर कहानी सुनाता हूं। तो मैंने शायद तुम्हें इसीलिए चुना है क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं, तुम जिस तरह के प्ले करते हो, जिस तरह की फिल्में कर रहे हो और जिस तरह का काम करते हो, ये सब जान के ही मैंने तुम्हें बुलाया, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम इस किरदार को बहुत अच्छी तरह निभाओगे। और हुआ भी, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गोलमाल बनी, अमोल पालेकर साहब हीरो थे उसमें और ये फिल्म एक ज़बरदस्त हिट हुई। उसके कई साल बाद इसी टाइटल की फिल्म गोलमाल रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट करी। कहानी दोनों की अलग अलग थी लेकिन रोहित शेट्टी साहब ने अपनी पिक्चरों में भी कमाल किया, ऋषिकेश मुखर्जी कमाल के थे ही। तो यह है बॉलीवुड की एक छोटी सी कहानी, छोटा सा किस्सा, ऐसी बहुत सारी कहानी, बहुत सारी किस्से हमारे पास मौजूद है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर आप उन किस्सों कहानी से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बॉलीवुड से जुड़े रहिए, हमसे जुड़े रहिए और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए बाय।